από του βοηθά. Αρέμωση. Πάρτι αμπίπι σάσε το λέει. इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब विपक्ष पर निशाना साधा, देखिए सदन की कार्यवाही चल रही है और लोकसभा के सदन की कार्यवाही के दौरान जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रख रहे थे, उन्हें वो पुरानी बॉलीवुड की मूवी शोले की मौसी जी याद आ गई और मौसी जी को याद करते हुए सदन में नरेंद्र मोदी ने खूब निशाना साधा है विपक्ष पर। राहुल गांधी वहां मौजूद थे, विपक्ष नेता हैं, अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, विपक्षियों से हंगामे भी किए जा रहे हैं सदन में नीट मामले को लेकर, मणिपुर को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी कहां रुकने वाले। विपक्ष ने तो खूब निशाना साधा है, अब बारी नरेंद्र मोदी की थी, देश के प्रधानमंत्री की थी, उन्होंने भी खूब निशाना साधा है विपक्ष पर। सामने आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा है कि जो बच्चा 99 पर आउट हो गया, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, तीन बार चुनाव लड़े, 14 में, 19 में और 2024 में, कांग्रेस का इतना बुरा हाल, गठबंधन का इतना बुरा हाल, शोले वाली मौसी जी याद हैं क्या, कुछ प्रधानमंत्री क्या रहे, सुनिए। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है,
और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99-99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है, किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है।
सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं पर हीरो तो है ना। पार्टी की लुटिया तो दुबई है, अरे मौसी पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ, जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ, ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कैसे निशाना साधा है हमने आपको इस पूरे भाषण में सुनाया है। सदन में खूब ठहाके लगे हैं, सबसे ये जो मजेदार उनका भाषण था, जो उसका वो पार्ट था, वो हमने आपको दिखाया है। आप लाइव चीज़ आप बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।